आज मैं बनाने जा रही हूँ नान रेसिपी। सबसे पहले मैं 2 कप मैदा ले लूँगी, इसमें थोड़ा सा खाने का सोडा, नमक और 2 टेबल स्पून घी डाल दूँगी। अच्छे से मिक्स करके पानी के साथ मैं इसे गूंथ लूँगी। लास्ट में थोड़ा दूध डालकर इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। 10 मिनट रख कर ढक के इसे अच्छे से बेल कर इसमें थोड़ा कलौंजी डालूँगी। उसके बाद धनिया पत्ता ऊपर से धीरे धीरे हल्के हाथों से दबा दूँगी। देखिए इस तरह से, फिर हल्का आटा छिड़क के उस पर बेलन से अच्छे से दबा दूँगी। इसके बाद इसके तवे पे अच्छे से सेक करके आगे पीछे अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए बहुत सॉफ्ट बनता है ये, और हो जाने के बाद इसे ऊपर से घी डालेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स करके दोनों साइड से लगाकर